पिछली गतिविधियों में अंकुश लगाने में बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत जो दरिकेश्वर क्षेत्र में जो मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 है उसका कमांडर डेविड को पकड़ने में सफलता मिली है, और साथ साथ में AK-47 पिस्टल वॉकी टॉकी इसके अलावा जो नक्सली साहित्य मेडिसिन और काफ़ी अन्य सारे सामान मिले हैं जिसकी अभी तहकीकात अभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ साथ में जो डेविड जो घटनास्थल से घायल अवस्था मिला था उसको लाकर उसका उपचार कराया जा रहा है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक उनको कल एक सूचना मिली थी, उस सूचना पर जिला पुलिस की टीम जो कि सब इंस्पेक्टर लहरे के नेतृत्व में और ITPP की टीम जो असिस्टेंट कमांडेंट है अमित कुमार के नेतृत्व में चौकी जोब जो थाना छुरिया का है वहां से निकली थी ग्राम कटिंगा की ओर, और वहां पे जब रात्रि में एम्बुश में बैठी थी तो रात्रि 11 बजे करीबन नक्सली जब वहां से गुजर रहे थे नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, और जो एक्सचेंज जो फायर है करीबन 7 से 10 मिनट चला, और जब थोड़ी देर के बाद माहौल शांत हो गया, जब देखा कि हाँ कि अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है, तो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए जो पुलिस की टीम थी और ITPP की टीम की उनके द्वारा मौके का सर्च किया गया, तो मौके से कुछ पिट्ठू मिले थे और कुछ ब्लड के ट्रेल मिले थे, ब्लड के निशान, जो खून के निशान मिले थे उस खून के निशान पे जब पार्टी आगे बढ़ रही थी सर्च कर रही थी तो ऐसा पता चला कि ग्राम खोबा की ओर कुछ नक्सली भागे हैं जिसमें एक को गोली लगने की संभावना है। इसी संभावना पर सुबह में पुलिस अधीक्षक के द्वारा और भी एडिशनल SP के नेतृत्व में पुलिस की टीम DRG की टीम भेजी गई, और सुबह जब ग्राम खोबा में जब पुलिस पार्टी सर्च कर रही थी तो एक व्यक्ति पुलिस को देख के भागने लगा, उसको जब दौड़ा के पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम डेविड बताया, और जो कि बाद में हमने जो हमारे पास सरेंडर कैडर हैं उनसे पहचान कराई गई तो वो डेविड निकला, जो कि मिलिट्री प्लाटून नंबर 1 का कमांडर है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 8 लाख का इनाम, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 और महाराष्ट्र से 16 लाख का इनाम है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और दरिकेश्वर क्षेत्र में इसका काफ़ी दहशत था, और सारे जो नक्सलियों की तरफ से जो ऑपरेशन या जो पुलिस को एम्बुश किया जाता था या जो इस प्रकार से गांव में दहशत फैलाने का काम किया जाता था ये डेविड के द्वारा किया जाता था, और साथ ही साथ जो अभी तेंदुपत्ता की तोड़ाई है उसमें जो पैसे वसूलने का काम, ठेकेदारों को डराने का काम सारा इनके द्वारा किया जाता, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला और जो ITPP के DIG हैं श्री छोटे राम जाट, इनको मैं और इनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।